चुका है। और चित्रकूट की यात्रा जो पहले लोगों के लिए लगता था कि अभी भी कठिन है, लेकिन आज के दिन पे दिल्ली से 5 घंटे में आप चित्रकूट की यात्रा कर सकते हैं। ये पूरे बुंदेलखंड को जोड़ता है, बुंदेलखंड के सभी जनपदों को जोड़ करके एक्सप्रेस वे भी कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने संपन्न किया था। गंगा एक्सप्रेस वे पे तेजी के साथ कार्य चल रहा है, जो देश का संभवतः सबसे लंबा एक्सप्रेस वे के रूप में जिस पर कार्य वर्तमान में हमारा चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी इसके माध्यम से हम पूरी करेंगे। आज के दिन पर अगर हम लोग मेरठ से प्रयागराज आना चाहेंगे तो 12 से 14 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे के अंदर हम पूरी कर पाएंगे और यह कार्य भी हम लोग 2025 तक इसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का, अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश के अंदर अलग अलग नए एक्सप्रेसवे के साथ हम लोगों ने इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, नेपाल से सटी हुई हमारी लगी हुई हमारी उत्तर प्रदेश की 570 किलोमीटर की सीमा हो, या बिहार से लगी हुई सीमा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली से, इन सभी से जुड़ी भी जितनी भी कनेक्टिविटी थी उसको 4 लेन में बदलने का कार्य हो, या प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के अंदर 4 लाख सड़कों के इस पूरे तंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य रहा हो, या फिर भारतीय रेल के प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसमें दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होंगे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसने नई संभावनाओं को बढ़ाया। हम जब इसकी बात करते हैं वाराणसी में, वाराणसी से हल्दिया के बीच में देश का पहला इनलैंड वाटरवे ये प्रारंभ हो चुका है, और वाराणसी से में मल्टीमोडल टर्मिनल की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के ही दादरी में इनका जंक्शन है, वहां पे मल्टीमोडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण की कार्रवाई, और बोड़ाकी में मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। यानी उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश में बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप तेजी के साथ उत्तर प्रदेश इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एयर कनेक्टिविटी आज के दिन पे उत्तर प्रदेश की बेहतर हो चुकी है। हम सब जानते हैं जब उत्तर प्रदेश 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और इस वर्ष के अंत तक हम लोग 10 नए एयरपोर्ट को क्रियाशील करेंगे, जिनमें 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अयोध्या में और दूसरा एनसीआर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, और इस वर्ष के अंत तक इन्हें भी हम क्रियाशील करेंगे। प्रदेश के अंदर इन सभी सेक्टर्स के साथ हाउसिंग में भी अनेक संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। मैं भी जब एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, जिसके पास साधन है तो अपना मकान बना ही देता था,
लेकिन प्रदेश के अंदर जिन गरीबों के पास जिन्होंने कभी मकान के दर्शन नहीं किए थे, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहता था या फिर इधर उधर भटकता था, ऐसे 55 लाख गरीबों को एक एक आवास पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 75 जिले 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला होगा, और इसके लिए जो कदम उठाए गए प्रदेश के अंदर निवेश के लिए बेहतरीन वातावरण, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर, सुरक्षा कानून व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाया गया। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में तो कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई अराजकता नहीं, सारे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। बीबीआईपी की कोई भी विजिट बहुत सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होती है। पर्व और त्योहारों में अब कोई दंगा फसाद नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं। बड़े बड़े पर्व और त्योहार प्रयागराज कुंभ में